दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इक्लॉन फॉर्म की। शायद आप इक्लॉन फॉर्म भी पढ़ते हो, तो इक्लॉन फॉर्म की बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स का दूसरा वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हुए हैं। तो हेडिंग लगा लेंगे आज का पूरा, हम बात करेंगे इक्लॉन फॉर्म के बारे में, कैसे इससे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात की जाती है। हेडिंग डालेंगे क्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान देंगे इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे लिखेंगे ए मैट्रिक्स, या एनी लगा लेंगे, एनी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स हम ये मान लेते हैं, एनी मैट्रिक्स ए इज नोन एज इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इफ इट्स फॉलोइंग अदरवाइज फॉलो दीज कंडीशंस। दो कंडीशन हम लिखते हैं, अगर ये इस कंडीशन को या फॉलो करता है तब यह क्या होगा, इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी आती है, देखते हैं फर्स्ट कंडीशन हमारी आती है, वीडियो थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम इसको लिखने के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, कि एवरी रो ऑफ ए, कोई मैट्रिक्स हम ए मान लेते हैं, उसका प्रत्येक रो विच हैज ऑल इट्स एंट्रीज जीरो, जिसमें सभी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, आकर्स बिलो एवरी रो विच हैज नॉन इक्वल टू जीरो एंट्रीज, मतलब प्रत्येक रो, ए का प्रत्येक रो विच हैज ऑल इट्स एंट्रीज जीरो, जिसकी ऑल एंट्री जीरो हो, वह प्राप्त होता है बिलो एवरी रो विच हैज नॉन जीरो एंट्रीज। अर्थात इसका कहने का मतलब है इक्लॉन फॉर्म में कुछ इस तरह मिलता है, जैसे 2, 3, 4 कुछ भी रह सकता है, 7, 8, 9, यहां पर 0, 0 होना चाहिए, 4, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि एवरी रो ऑफ ए, प्रत्येक ए का जो रो होगा ऑल इट्स एंट्री जीरो, जिसकी एंट्री जीरो हो, एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, वह विच बिलो, जो कि बिलो होता है, नीचे होता है, किसके नीचे होता है, एवरी रो उन रो के नीचे होता है जो नॉन जीरो एंट्री, जो नॉन जीरो एंट्रीज के नीचे होते हैं, ये बात कंफर्म हुई। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड हमारा कह रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोज, जो जीरो का जो जीरो आएंगे उसका जो नंबर होगा बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ए रो इट लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द नेक्स्ट रो, कि जो नंबर होगा जीरो का, वह पहले जब वह जीरो नहीं था, बाद में जीरो बनाया जाता है, उसके पहले जो नंबर ऑफ रो होंगे वह लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज, वह इन जीरो से नंबर में कम होगा इन द नेक्स्ट रो, नए रो में। तो ये था हमारा फॉलोइंग मैट्रिक्स कुछ, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। मिटाए इसको, तो फाइनली रिजल्ट हमारा क्या मिलता है, जिसके बेस पे हमें क्वेश्चन लगाने हैं, ये चीज ना तो पूछी जाती है ना तो एग्जाम में आती है, सिर्फ हमें एग्जाम्पल के थ्रू लगाना होता है। तो रिजल्ट हम देख लेंगे क्या आता है हमारा, इसका रिजल्ट जो इसका आता है वो ये कहता है कि जो मैट्रिक्स होगा इक्लॉन फॉर्म का, जो मैट्रिक्स होगा नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वह किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ जीरोस के, नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल होगा, सॉरी नॉन जीरो रो के इक्वल होगा, नॉन जीरो रो के। तो लिखेंगे द रैंक ऑफ मैट्रिक्स The rank of matrix in echelon form the rank of matrix in echelon form is equal to the
नॉन जीरो इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो कह रहा है कि द रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा, जो मैट्रिक्स की रैंक जो आएगी इन इक्लॉन फॉर्म, इक्लॉन फॉर्म में वह किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के इक्वल होगा, जिसमें जिस रो में नॉन जीरो रो होंगे उसके इक्वल यह बताया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम दिखा देते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या मानते हैं, इजी इजी मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे आप मान लीजिए कुछ इस प्रकार लिखा गया है, कुछ इस प्रकार लिखा गया, अगर इसका पूछा जाए रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का क्या लिखेंगे, रैंक इक्वल टू थ्री। इसकी रैंक कितनी आएगी, थ्री, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, तीन है। इसमें नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये भी नॉन जीरो ही रो है क्योंकि एक जीरो है बाकी दोनों जीरो नहीं है, और इसमें भी कंप्लीटली जीरो नहीं है, इसलिए इसमें तीन रो हैं जो कि नॉन जीरो रो आते हैं। अगर यही हम बात करें इसके अलावा 1 0 0 2 3 0 4 5 0, इसकी अगर हम बात करें, अगर हम इसकी बात करेंगे, इसमें रैंक पूछेगा, इसमें रैंक इक्वल टू क्या होगी, रैंक इक्वल टू इसमें हम लिखेंगे रैंक इसमें आएगी टू। रैंक टू क्यों आएगी, क्योंकि इसमें फाइनली जो लास्ट रो है ये क्या हो जा रहा है, जीरो रो हो रहा है, ये कौन सा रो है, ये जीरो रो है एकदम लास्ट में, क्योंकि कंप्लीटली जो एलिमेंट आए इसमें, कंप्लीटली एंट्री जो है ये जीरो है, अर्थात दो रो है मतलब फर्स्ट और सेकंड रो जो है वह एक नॉन जीरो रो है, इसलिए इसकी रैंक टू। तो यही कह रहा है कि जो रैंक होगी मैट्रिक्स से इन इक्लॉन फॉर्म में वह इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, वह नॉन जीरो रो के इक्वल होगी, वह किसके इक्वल होगी, नॉन जीरो रो, तो जितने नॉन जीरो रो होंगे उसी के इक्वल रैंक लिख दी जाती है। तो इसमें कितने थे, 1 2 3, इसमें कंप्लीटली जीरो नहीं थी, इसमें कंप्लीटली जीरो हो गया, अर्थात इसे छोड़ देते हैं, कितना बचा, दो रो हमारी बची, जिसके अनुसार हम लिख दिए रैंक इक्वल टू टू। नोट कर लीजिए, समझ गए, आगे हम क्वेश्चन हल कराते हैं, चलिए नोट कर लीजिए इतना, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स होता है, जिसे मान लीजिए इसको नोट कीजिए, हटाए इसको, कि आपको किसके रूप में लाना है, इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में आपको कुछ इस रूप में लाना होता है, जैसे 4x4 का मैट्रिक्स है तो पहली वाली संख्या हमारी 1 आनी चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, हम मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर आपको दिखा रहे हैं, एक एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू जैसे आपको दिखाना चाहेंगे 4 3 9 7 8 5 6 7 0 9 5 3 9, मान लो 5 6 7 0, कुछ इस प्रकार ये हमारा दिया गया 4x4 का मैट्रिक्स है। आपको इसे लाना किसमें होगा, इक्लोन फॉर्म में लाने के लिए आपको, देखिए इक्लोन फॉर्म दो प्रकार के यूज किए जाते हैं, एक रो के अकॉर्डिंग, एक कॉलम के अकॉर्डिंग। तो पहले हम आपको रो के अकॉर्डिंग बताएंगे, उसके बाद कॉलम के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताएंगे। तो रो के अकॉर्डिंग एक ही करेंगे क्योंकि नंबर बराबर आते हैं वही। इसको अगर हम फॉर्म में लाएंगे इक्लॉन फॉर्म कब होगा, ये तो फर्स्ट पहला वाला एक होना चाहिए, उसके बाद ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर चाहे जो आ, जैसे मान लीजिए 2 3 4 7 8 9 कुछ भी आए, यहाँ पर जीरो आने चाहिए, फिर जीरो जो होने चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, यहाँ पर देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है, एक जीरो फर्स्ट वाले में है, पहले वाले में 1 होना चाहिए, फर्स्ट वाले में 1 0, सेकंड वाले में 2 0, थर्ड वाले में 3 0, ठीक इस प्रकार आपके होने चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर, बात यहाँ तक क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया। सेकेंड थर्ड
कहीं कोई मिस्टेक हो रहा है, ये फिर से बता, ये 0 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, यहाँ 00 होगा, 3 4 हो सकता है, यहाँ पर 1 2 3 होगा, यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या आना चाहिए, हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 होने चाहिए, तभी वो हमारा इकलॉन फॉर्म में होगा। बात आती है ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो रो के अकॉर्डिंग, दूसरा कॉलम के अकॉर्डिंग। रो के अकॉर्डिंग जब हम करते हैं कुछ इस प्रकार आना चाहिए, ये रो के अकॉर्डिंग है, इसकी जब रैंक लिखी जाती है, रैंक ऑफ रो लिख दिया जाता है इक्वल टू, एक ही अगर लिखी गई एक ही इक्वल टू, जैसे 3 आया, 4 आया, 5 आया, जैसे। और कॉलम के रूप में जब लाते हैं तो कॉलम के रूप में पीछे से आना चाहिए, 0 0 0 0, यहाँ पर एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो जब हम आप लोगों को बताएंगे तो कंफर्म कराएंगे। पहले आप देखेंगे रो के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, रो के अकॉर्डिंग। बहरहाल अगर हम निकालना चाहें कि रैंक ऑफ रो, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, वह इक्वल होता है रैंक ऑफ कॉलम सी, एक वह क्या होता है, इक्वल होता है, जो रो के अकॉर्डिंग रैंक निकालेंगे वही कॉलम के अकॉर्डिंग भी रैंक निकलेगी। द नंबर ऑफ रैंक फाइंड अकॉर्डिंग टू रो इज आल्सो इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, इज आल्सो इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कॉलम, वह कॉलम के अकॉर्डिंग इक्वल होता है, चाहे रो के अकॉर्डिंग निकाले चाहे कॉलम के अकॉर्डिंग निकाले, वो उसका रो इक्वल आएगा। नोट कर लीजिए, इतना हम क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। हम एक क्वेश्चन लगाते हैं कृष्णा पब्लिकेशन से, बुक हम पढ़ा रहे हैं कृष्णा पब्लिकेशन की, मैथ की आप लोग न लिए हो तो कृष्णा पब्लिकेशन की ले लेंगे, आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दिखा देते हैं आपको इंटरफेस, बुक है ये कृष्णा पब्लिकेशन की। तो चलिए बात करते हैं, जैसे हमने दिया गया है एक फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया गया है आपको, उसे क्या करना है, रैंक प्राप्त करनी है उसकी, क्या फाइंड करना है, रैंक फाइंड करना है। आपको रैंक फाइंड करेंगे कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 1 2 0 2 1 1 2 0 3 3 0 2, ये आपको एक रैंक दे, एक मैट्रिक्स दे दिया गया। अब इस मैट्रिक्स का रैंक प्राप्त करना है, आपको हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, पिछली वीडियो अगर न देखे हो तो टाइप करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय विवेक मिश्रा स्टडी चैनल, तो फर्स्ट वीडियो आप देख सकेंगे वहां से, और सेकंड वीडियो हमारा चल रहा है तो वहां से हमने बताया था, थर्ड जब होता है तो उसका एक्सपेंशन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक्सपेंशन। अगर वह डज नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो रैंक बराबर होती है, अगर इक्वल टू जीरो आता है तो 2x2 लेते हैं, अगर वो भी इक्वल टू जीरो आता है रैंक को इक्वल टू 1। इसकी एक्सप्लेन में जानकारी लेने के लिए सर्च करेंगे विवेक मिश्रा स्टडी चैनल रैंक ऑफ मैट्रिक्स 01, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आसानी से वहां से देख सकेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में इसको हमें निकालना है, तो पहले इक्लोन फॉर्म में निकालेंगे। इक्लोन फॉर्म में क्या करना होता है, पहले 1 रखना होता है, 1 है ही, अगर ना होता तो हमें कहीं कहीं से लाना होता, फिर ये 0 करना होगा और ये दोनों भी 0 करना होगा, क्योंकि ये पहले वाले में पहले 0 फिर उसके बाद दूसरे वाले में 2 0 रहना चाहिए, ऑटोमेटिक 0 हो जाए उससे नहीं मतलब। इसको लगाते हैं, इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको 0 करने के लिए क्या कहेंगे, ये आर टू है टेंस टू आर टू माइनस टू आर वन, ये सी वन सी टू सी थ्री कॉलम है, ये R फॉर रो, रो वन ओ सॉरी R1 R2 एंड R3। अब R2 में से अगर 2R1 घटा दें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तो 2 माइनस 2 बराबर 0 होगा, और यहाँ पर 0 है ही नॉर्मली, तो हम लिखते हैं क्या आएगा 1 2 3, 2 में से R2 मार क्या है 2 और 2R1 माइनस 2 इंटू 1 बराबर 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये क्या आ गया 0।
वन माइनस ये आर टू क्या है वन माइनस टू आर वन, आर वन क्या है टू, टू इंटू वन माइनस फोर अर्थात माइनस थ्री, यहाँ पर माइनस थ्री, जीरो माइनस थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स, उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हमने कुछ रिएक्शन लगाए नहीं, जीरो वन टू ऐसे हमारा, बात क्लियर हुई, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर तो जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो लाना है। अब जीरो लाएंगे कैसे, जीरो लाएंगे पहले, अगर इसको हम अगर मान लीजिए हम इसको जीरो बना लें या वन बना लें, इसमें से ये माइनस कर देंगे हमारा जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आर टू टेंस टू आर टू डिवाइड बाई थ्री, आर टू टेंस टू आर टू डिवाइड बाई थ्री, थ्री से डिवाइड कर देते हैं आर टू में, क्या बचता है वन टू थ्री जीरो, थ्री से डिवाइड करेंगे जीरो, थ्री से डिवाइड करेंगे जीरो, माइनस थ्री थ्री से डिवाइड करेंगे माइनस वन, माइनस सिक्स में करेंगे माइनस टू, नीचे बचेगा वन जीरो वन एंड टू, इतना बचा। अब अगर हम इसमें आर थ्री प्लस आर टू कर दें तो ये भी वैल्यू जीरो, ये भी वैल्यू जीरो, ठीक। लेकिन नाउ यहाँ पर हम रिएक्शन लगा दे रहे हैं आर थ्री टेंस टू आर थ्री प्लस आर टू, आर थ्री में आर टू जोड़ देना हमको, तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनली वन टू थ्री, जीरो माइनस वन माइनस टू, जीरो में जीरो प्लस करेंगे जीरो, वन माइनस वन प्लस माइनस वन, अरे वन में माइनस वन जोड़ेंगे जीरो आएगा ना, टू माइनस टू जीरो, कुछ ये बना बना कि नहीं बना। अब देख रहे हैं ये फर्स्ट वाले में फर्स्ट, सेकंड वाले में उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है टू, लेकिन ये ऑटोमेटिक थ्री हो रहा है उससे हमें नहीं लेने, हमारा थ्री आ रहा है और ये वन आ रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि हमने बताया क्या कि इसकी जो कंडीशन होती है कि द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नॉन जीरो रो ऑफ एनी इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, किसी इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में जो नॉन जीरो रो होंगे वही उसके रैंक के इक्वल आएंगे। नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो है और ये भी नॉन जीरो, ये तो लास्ट वाला नॉन जीरो रो है, लास्ट वाला क्या है नॉन जीरो, सॉरी जीरो रो है, लास्ट वाला जीरो रो है। जितने नॉन जीरो होंगे अर्थात जिसमें पूरा का पूरा जीरो कंप्लीटली नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, उसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां से लिखेंगे हेंस, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दिया गया था, हेंस द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स किस फॉर्म लिखेंगे, रैंक मतलब स्मॉल आर से दिखाते हैं रैंक को, रो के अकॉर्डिंग लिए हैं किसका इक्वल टू, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी आई दो, क्योंकि वन रो और सेकंड रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो क्या है नॉन जीरो रो है, तो इसलिए इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या रही टू, और थर्ड वाला हमारा क्या आ रहा है कंप्लीटली जीरो रो हो रहा है इसलिए वो नहीं लिया जाता। नोट कर लीजिए, इतना समझ में आ गया हो, चलिए बहुत बढ़िया, मिटा दें इसको। इसी के साथ साथ एक बात और आप लोग ध्यान रख लीजिए कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी यह इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बन सकता है, अदरवाइज उसकी रैंक नहीं निकलेगी इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। मिटा जाए इसको, समझ में आ गया। जब हमारा क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात उसके यम क्रॉस यंग जो ऑर्डर होंगे वो इक्वल होने चाहिए, जितने रो हो उतने कॉलम हो, जैसे हम इसमें लगा रहे थे। इसमें एक सेकंड हम मेथड भी लगा सकते हैं एक्सपेंशन करके, वो वीडियो आपको फर्स्ट में मिलेगा, फर्स्ट वाले में हमने बताया। एक सेकंड हम लेते हैं, सेकंड हमारा एक आ जाता है वन टू थ्री टू फोर फाइव, वन टू थ्री टू फोर फाइव। अब इसका हम करेंगे इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स से क्या होगा, नहीं लिखेंगे इट मैट्रिक्स कैन नॉट बी
सॉल्व बाय इक्लोन फॉर्म। इसकी रैंक नहीं निकाली जा सकती इक्लोन फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, एक हम नियम दूसरा जानते हैं, सॉल्यूशन इसका लिखेंगे। या हमने आपको आपको समझाने के लिए इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के अनुसार इसका वैल्यू रैंक नहीं निकल सकेगी, दिस इम्पॉसिबल, ठीक, रैंक इसकी नहीं निकल पाएगी। उसके बाद हम निकालते हैं, जब यह थ्री क्रॉस थ्री का होता तो हम क्या करते, एक्सपेंशन करते। ये तो टू क्रॉस थ्री का दिख रहा है, टू क्रॉस थ्री, नंबर ऑफ रो टू और नंबर ऑफ कॉलम थ्री। अब इसका सोल्यूशन अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक तो ले लीजिए 1 2 2 4 और एक बन सकता है 1 2 3 5। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स इसमें बना लिए, 1 2 2 4 एक बार ले लिया हमने, बार 1 2 3 5 ले लीजिए। और उसके बाद और एक बनेगा, एक ले सकते हैं आप 2 4 3 5 ले लिए। अब इसका एक्सपेंशन कीजिए, 4 1 जा 4 -2 2 जा 4 = 0। ये जीरो के इक्वल आ रहा है, जब यह जीरो के इक्वल आता है तो उसकी रैंक का मैट्रिक्स रो से कम होती है, रो कितना है 2, उससे एक कम, लेकिन अभी हमारे 2 और बचे हैं, अगर तभी इक्वल टू 0 आ जाए तब इसकी रैंक का मैट्रिक्स 1 होगी, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रो 2 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उसी के इक्वल होगा। यहाँ पर देख रहे हैं 5 1 जा 5 -3 2 जा 6 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, क्या रहा है, विच डज नॉट इक्वल टू 0। एंड ये भी लगा लेते हैं, अगर एक हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो हमें और किसी की जरूरत ही नहीं है। आपको हम लगा के दिखा दें, 5 2 जा 10 -4 3 जा 12 इक्वल टू -2 विच डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चूंकि these matrix does not equal to 0, hence the rank of matrix, तब इसकी rank of matrix क्या आएगी, r equal to 2, number of row के equal। अगर नॉट इक्वल टू 0 होते हैं तो इसी के इक्वल आ जाते हैं, अगर इक्वल टू 0 होते हैं तो इससे एक कम आते हैं, इसको हमेशा कंटेस्ट रखिए। नोट कर लीजिए आप लोग, समझ बात आ रही है, बहुत अच्छे, यहाँ तक नोट कर लिए। चलिए, तो ये छोटा सा हमें इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन था। आपको इसके आगे वाली आने वाली एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज इसमें मिलेगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में तो कुछ कम है, हम सब करवाएंगे, हर एक क्वेश्चन करवाएंगे। सेकेंड वाले में तब तक आप लोग को हम पढ़ा देंगे इक्लोन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, और थर्ड आता हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उससे जब तीन के तीनों आपको फॉर्म हम इंट्रोडक्शन के रूप में बता देंगे, जैसे आज ये बताए, तब उसके बाद हम एक्सरसाइज हल करवाएंगे जिसमें हमारा सवाल मिलेगा। आपकी जो इच्छा कहे, जो आपको सिंपल मेथड लगे, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहने के लिए हमारे साथ, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो रेड कलर का दिख रहा सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और बेल आइकन दबा लेंगे तो रेगुलर आप वीडियो जितनी अपलोड होती हैं आप वहां से देख सकते हैं। साथ साथ आप नोट में कंटेस्ट कर लीजिए कि मैथ के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियो अपलोडेड हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है और डी ब्लॉक एलिमेंट भी चल रहा है, आप वहां से देख सकते हैं। और हमारा फिजिक्स में चल रहा है इस समय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सेकेंड चैप्टर है थर्ड पेपर का क्वांटम मैकेनिक्स का, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप लोग इंतजार कीजिए अगले वीडियो का आने का।